तो हिजबुल्ला के हमले से भड़के इसराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बमों की बारिश कर दी। हिजबुल्ला के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों को निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए गए। हिजबुल्ला के 160 से ज्यादा ठिकानों पर बम धमाकों से थर्रा उठे हैं। खुलासा हुआ है कि इसराइल लेबनान पर हमले में बैरल बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसराइल की सेना लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब इसराइली फाइटर जेट लेबनान पर बारूद की बारिश न कर रहे हों। लेबनान में हिजबुल्ला हुआ बेदम, इजराइल बरसा रहा है बैरल बम। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल ने एक बार फिर से जोरदार हवाई हमला किया है। यह हमला बेरूत एयरपोर्ट के ठीक बगल में लैलाकेह इलाके में हुआ। इजरायली फाइटर जेट ने लैलाकेह में ताबड़तोड़ बम बरसाए। धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी बेरूत के उपनगर लैलाकेह को निशाना क्यों बनाया वो भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को लैलाकेह में हिजबुल्ला के नए कमांडर नईम कासिम के छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के बाद यहां एयर स्ट्राइक की गई। नईम कासिम लैलाकेह में था या नहीं, इस एयर स्ट्राइक में वो मारा गया या नहीं, ये तो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दक्षिणी बेरूत में हुए इसराइल के इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत जरूर हो गई। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। इजरायली फाइटर जेट्स लेबनान की राजधानी बेरूत का कोई कोना छोड़ नहीं रहे। हिजबुल्ला का गढ़ माने जाने वाले दही इलाके में भी इजरायल के लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त बमबारी की। यहां स्थित हिजबुल्ला के एक ठिकाने से इजरायल की ओर रॉकेट दागे जा रहे थे। लिहाजा IDF ने यहां ताबड़तोड़ बम बरसाकर उस ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। IDF की एयर स्ट्राइक का ये एक और वीडियो देखिए। दक्षिणी बेरूत के दही में इस इमारत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। बताया जा रहा है कि इस इमारत को हिजबुल्ला ने अपना हथियार डिपो बना रखा था। इसी जानकारी के बाद यहां इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की, जिसमें यह इमारत पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई। IDF ने दक्षिणी लेबनानी शहर सौर को पहली बार अपना निशाना बनाया। पुराने शहर सहित कई इलाकों को निशाना बनाकर IDF ने यहां बम बरसाए। बमबारी के बाद यहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। पूरे शहर में खौफ और दहशत का मंजर पसर गया।
दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में भी इजरायली सेना की ओर से भारी हवाई हमले किए गए। हमले के बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार छाया नजर आया। इजरायल के लगातार हमलों की वजह से लाखों लोग टायर शहर को छोड़कर भाग चुके हैं। फिलहाल यहां हुए ताजा हमलों में किसी के जान जाने की खबर नहीं है, हालांकि कई इमारतों को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। IDF के हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान और बेगा के कई इलाकों को भी निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि उसने अपने हमलों में हिजबुल्ला के 20 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। हिजबुल्ला के 160 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली फाइटर जेट्स ने अपनी एयर स्ट्राइक में एंटी टैंक मिसाइलों, मोर्टार, गोले, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों वाले हथियार डिपो को निशाना बनाया। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्ला को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए बैरल बम का इस्तेमाल कर रहा है। बैरल बम बेहद खतरनाक होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। बैरल बम एक अनगाइडेड बम होता है। बैरल बम में मेटल के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल कंटेनर में गैसोलीन, कीलें और स्टील के टुकड़े भरे होते हैं। इनका वजन 1000 किलो तक हो सकता है। बैरल बम को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। अनगाइडेड होने की वजह से बैरल बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित होता है, लेकिन आरोप है कि इजराइल लेबनान में इसी बैरल बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है। इजराइल हिजबुल्ला को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वो दांव, हर वो हथियार आजमा रहा है, जिससे उसका ऑपरेशन लेबनान अंजाम तक पहुंच सके। जाहिर है उसकी यह जिद लेबनान के वजूद के लिए खतरा बन गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।